इस न्यूज के प्रायोजक है। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए, प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। वर्ष 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का सिरमौर बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मिशन 2030 का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाए। यह बात जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने सोमवार को राजस्थान मिशन 2030 अभियान के अंतर्गत आयोजित विभागीय कार्मिकों, हितधारकों व जनप्रतिनिधियों की जागरूकता के लिए नगर परिषद टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय संवेदीकरण कार्यक्रम के दौरान करी। उन्होंने समारोह में कहा कि प्रदेश की प्रगति 10 गुना अधिक देने में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार लोगों से उनके सपनों के राजस्थान के लिए सलाह और सुझाव ले रही है। इन्हीं के आधार पर विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार कर जारी किया जाएगा। मोदी ने वर्ष 2030 तक राजस्थान की प्रगति को 10 गुना तक ले जाने के लिए आमजन से आह्वान किया है कि वे विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बहुमूल्य सुझाव विचार साझा करें। उन्होंने कहा कि विजन 2023 डॉक्यूमेंट प्रदेशवासियों की प्रगति का संकल्प बनेगा। इस दौरान जनप्रतिनिधि धर्मेंद्र पारिक, नगर परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक महावीर शर्मा, सीमेचो डॉक्टर सीपी गोस्वामी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, विशेषज्ञ, महिला, विद्यार्थी, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य सहित कई लोग मौजूद रहे। आज नगर परिषद सभागार में राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी स्टेक होल्डर्स को यह बताया गया कि वो मिशन 2030 के अंतर्गत जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाना है उसमें अपने सुझाव किस तरह से दे सकते हैं, क्या क्या माध्यम रहेंगे, और साथ ही उनको जिले की प्रगति और मिशन 2030 में अब तक जो कार्य हुआ है उसके बारे में बताया गया। इस बैठक में न केवल सभागार में उपस्थित लोगों ने पार्टिसिपेट किया बल्कि VC के माध्यम से भीलवाड़ा के समस्त ब्लॉकों से और पंचायतों से भी लोग जुड़े हुए थे। उन लोगों को यह जानकारी दी गई कि मिशन 2030 के अंतर्गत वो अपने सुझाव देकर के सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। सभी स्टेक होल्डर से सुझाव लेकर के स्थानीय एवं प्रादेशिक स्तर की सभी समस्याओं के संदर्भ में सुझाव प्राप्त किए गए हैं तो और आगे भी किए जाएंगे। तो मेरा यह मानना है कि इस तरह के सुझाव जब सरकार तक पहुँचते हैं तो डेफिनेटली उस पर कार्य होने से स्थानीय समस्याओं का भी निवारण होगा। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इंफोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR कलड़वास उदयपुर। एडमिशन ओपन।